हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस यहाँ पे आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला ओडीआई मैच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला ओडीआई मैच कौन सी टीम जीती है, कौन से प्लेयर ने आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो गाइस ओवरऑल वीडियो होने लगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो गाइस यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीत के यहाँ पे गेंदबाजी का फैसला किया था, यानी कि आयरलैंड की टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वाली। तो गाइस यहाँ पे आयरलैंड की टीम के जो ओपनर थे पोर्टरफील्ड एंड साथ ही साथ स्टेलिंग यहाँ पे ओपनिंग करने आ गए एंड बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप देखने को मिली। 41 रन की पार्टनरशिप में पहले विकेट के लिए देखने को मिली, जिसमें यहाँ पे स्टेलिंग ने 13 रन की शानदार पारी खेली 40 गेंदों में, जिसमें एक चौका शामिल था। वहीं पर दोस्तों बात किया पोर्टरफील्ड की, तो गाइस यहाँ पे पोर्टरफील्ड ने 63 रन की शानदार पारी खेली 87 गेंदों में, जिसमें 9 चौके शामिल थे। एंड वहीं पे कैप्टन जो एंडी बार्बेलाइन थे यहाँ पे 65 रन की शानदार पारी खेली 69 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके शामिल थे। फिर दोस्तों यहाँ पे हैरी टेक्टर ने शानदार 25 रन की पारी खेली 28 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके एंड 1 सिक्स शामिल था। वहीं पे दोस्तों मार्क एडर 16 रन पे नाबाद थे 8 गेंदों पे, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। फिर दोस्तों वहीं पे डॉकरेल यहाँ पे एक ही गेंद खेले थे, एक गेंद पे 1 रन डॉकरेल नाबाद थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साउथ अफ्रीका गेंदबाजी के। दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका गेंदबाजी में कगिसुर रबाडा ने 8 ओवर में 43 रन देके 2 विकेट चटकाए। लुंगी एनगिडी ने 8 ओवर में 33 रन देके उनको एक भी विकेट नहीं मिला। एंडिले पेलोक्वाय ने 7 ओवर में 39 रन देके 1 विकेट चटकाए। केशव महाराज ने 9 ओवर में 38 रन देके उनको एक भी विकेट नहीं मिला। एंड तबरेज़ शम्सी ने 8 ओवर में 35 रन देके 1 विकेट चटकाए। वहीं पे दोस्तों बात किया स्कोर के, तो गाइस यहाँ पे आयरलैंड की टीम का स्कोर था 195 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जहाँ दोस्तों 40 ओवर खेलने के बाद आयरलैंड का स्कोर है 195 रन 4 विकेट के नुकसान पे। एंड 50 ओवर इसलिए नहीं खेल पाया आयरलैंड की टीम बिकॉज यहाँ पे आयरलैंड में बहुत ही तेज अभी बारिश देखने को मिल रही है एंड जो गेम है वो 2 बार रुक चुका था। एंड जब 40 ओवर में गेम रुका तो गाइस यहाँ पे ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो आयरलैंड का फर्स्ट इनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इनिंग ब्रेक के बाद बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी एंड बारिश कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मैच रिजल्ट के बारे में। सो गाइस जो फर्स्ट ओडीआई मैच है वो यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हो चुका है, यानी कि मैच यहाँ पे समाप्त हो चुका है एंड यहाँ पे कोई भी विजेता यहाँ पे पहले ओडीआई मैच के लिए नहीं रहा। अगर यहाँ पे दोनों टीम्स कुछ ओवर खेल लेती तो गाइस यहाँ पे डीलेस मैटर के कारण यहाँ पे कोई रिजल्ट निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम ने एक भी ओवर नहीं खेला था तो इसी के कारण जो पहला ओडीआई मैच है वो यहाँ पे कॉल ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो बचे हुए 2 ओडीआई मैच है अब कौन सी टीम जीतती है, अब यहाँ पे टाई भी हो सकता है ये सीरीज। तो गाइस यही रहा पहले ओडीआई मैच के हाइलाइट्स। तो गाइस रूम में इतना ही, और आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।